बनाने के लिए पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई को गरम करने के बाद इसमें हम तेल डालेंगे, जितना चिकन रहेगा उसके अनुसार हम तेल डालेंगे। तेल हल्का गरम करेंगे, उसके बाद इसमें हम लहसुन की कलियाँ डालेंगे, लहसुन डालेंगे, लहसुन का पोटा इसको बोलते हैं। इसको हल्का भून लेंगे, उसके बाद इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसमें हम तेज पत्ता ऐड करेंगे, इसको भूनेंगे। भून गया हल्का, उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को अपने क्वांटिटी के अनुसार रख सकते हैं, मतलब जितना चिकन है उतना, या फिर आप ज़्यादा अगर देना चाहते हैं तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद ये हम प्याज को भून लेंगे। प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। अब देखिए हमारा कलर चेंज हो गया, प्याज का कलर जब चेंज हो गया तब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। हमारा चिकन 1.5 केजी था, तो हम इसमें लगभग 1.25 केजी के आसपास प्याज लिए थे। आप अपने अनुसार ले सकते हैं कितना प्याज लेना है आपको। जो ये देखिए चिकन हम इसमें डाल रहे हैं, चिकन को डालने के बाद हम इसको भूनेंगे, चिकन और प्याज के साथ भूनेंगे। और इसमें बिल्कुल पानी का यूज नहीं होगा, लास्ट में होगा थोड़ा बहुत। अब देखिए अभी इसको हम मिलाएंगे, इसको बढ़िया से मिलाएंगे ताकि ये सारा मिक्स हो जाए बढ़िया से। इसको बीच में ढक ढक कर आप भून सकते हैं, जिससे आप अगर पान भुना हुआ चिकन अगर खाना चाहते हैं तो इसको हल्का हल्का ढकें 1 मिनट के लिए, फिर उखाड़ें, फिर भूनें। देखिए तब तक जब तक हम इधर भून रहे हैं तब तक हम अपना मसाला देख लेते हैं। मसाले के रूप में हम ये सामग्री लिए हैं और इसको हम सिलबट्टे पे पीस लेंगे। हमारे यहाँ सिलबट्टा था तो हम सिलबट्टे पे पीस रहे हैं। वैसे मिक्सी भी है बट हमें मिक्सी का टेस्ट उतना बढ़िया नहीं लगता है, सिलबट्टे का कुछ अलग ही लगता है, तो हम सिलबट्टे पे पीसते हैं। से आप चाहें तो मिक्सी पे भी पीस सकते हैं, नहीं तो अगर आपके घर में सिलबट्टे है तो आपको पता ही होगा उसका स्वाद कैसा होता है। जब तक ये पिसा गया हमारा, देखिए चिकन रेडी हो गया लगभग। अब इसमें मसाला मिलाएंगे, हल्दी और नमक। हल्दी अपने क्वांटिटी के अनुसार, देखिए कितना चिकन में कितना डालना है आपको, उसके अनुसार भुने। अगर कम लगे तो फिर दोबारा हल्दी डालें। हमारा देखिए हल्दी हमें थोड़ा कम लग रहा है, इसमें हम थोड़ा अपना और हल्दी ऐड करेंगे, बट सारा मिला लेते हैं पहले, उसके बाद इसमें थोड़ा हल्दी और ऐड करना है। देखिए हल्दी ऐड हो गया, अब इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, इसको भूनते ही रहेंगे। अभी इसमें हम ना पानी डालेंगे ना कुछ डालेंगे, ना मसाला वगैरह हम कुछ में भी नहीं डालेंगे, इसको भूनेंगे। उसके बाद फिर ये अपना डायरेक्ट ये पीसा हुआ मसाला डालना है, जो हम सिलबट्टे पे पीसे थे वो मसाला मिलाकर इसको अच्छी तरह से भूनना है, बिल्कुल बढ़िया से भूनें एकदम। इसका टेस्ट एकदम मसाला ही डालने से एकदम इसका सुगंध बहुत बढ़िया लगता है। इसको भूनते रहिए एक बार, देखिए इस तरह से आप बना कर देखिए कभी, बहुत बढ़िया लगेगा। बिहारी स्टाइल चिकन है, ज़रूर ट्राई करें घर पे। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इसको देखिए कितना कल बढ़िया आ गया। आप इसको चाहें तो अभी खा सकते हैं रोटी के साथ, इस चिकन मसाला मिला दिए, उसके बाद आप चाहें तो भून कर थोड़ा देर खा सकते हैं। इसका स्मेल बहुत बढ़िया आ रहा है। वैसे ये चिकन सीज ही गया है, पक गया है सारा, बस इसमें थोड़ा गरम मसाला मिलाना है। उसके बाद हमें चावल के साथ खाना है तो हल्का पानी वगैरह मिलाएंगे, हल्का ग्रेवी करना है क्योंकि चावल के साथ हम वो खाना है। वैसे रोटी में खाने के लिए ये इतना ही बढ़िया है, मतलब बिना पानी ऐड किए खाएं ज़्यादा स्वाद आता है, बट चावल के साथ थोड़ा हल्का ग्रेवी रहता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़रूर घर पर ट्राई करें, इस तरह से देखेंगे कभी बनाकर। इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद
इसको फिर भूनेंगे हम बढ़िया से। गरम मसाला ऐड कर दिए अपने अनुसार, देखिए जितना ज़रूरत है उतना ही डालें, ज़्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं करें, मसाला डालने से मसाले का ही टेस्ट आता है। ठीक, इसको बढ़िया से मिलाएं। देखिए हमारा मसाला हल्का हल्का चिपक रहा है, जब चिपकने लगे तो हल्का हल्का पानी मिलाएं और इसको अच्छी तरह से भूनें, बिल्कुल हल्का हल्का पानी मिलाएं। वैसे हम बिना चिकन को ढके हुए पका रहे हैं तो हल्का हमारा है जो कि बढ़िया से पक रहा है। आप अगर चाहते हैं तो ढककर भी पका भून सकते हैं। वैसे अब देखिए इसको बढ़िया से मिलाइए। देखिए सारा मसाला है जो भुना गया है, वो वैसे जला नहीं है, वो भुना हुआ ही है। तो बढ़िया से एकदम हल्का पानी डालिएगा तो और बढ़िया से। अब इसको आप चाहें तो खा सकते हैं, वैसे प्लेट में निकाल कर भुना हुआ मसाला जिस तरह से होता है, भुना हुआ चिकन सॉरी, तो उस तरह से आप खा सकते हैं इसको निकाल कर अभी चाहें तो। बट हमें ग्रेवी चाहिए तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इसको हल्का पानी ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए नहीं 5 मिनट के लिए, ताकि बढ़िया से उबाल आ जाए, उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसको चावल के साथ खाएंगे। देखिए थोड़ा ऐड पानी कर दिए क्योंकि चावल के साथ खाना था हम लोगों को। देखिए वैसे चिकन सारा पक गया है, हड्डी छोड़ रहा है बिल्कुल चिकन। अब इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए हमारा चिकन उबल गया है। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे चावल के साथ खाएंगे।